नमस्कार आप सभी का मेरे इस चैनल पे। आई होप गाइज आप लोगों को मेरी जीसीपी की सीरीज़ पसंद आ रही होगी। मैंने बहुत कुछ आपको सिखा दिया, 6 टाइप के बता दिया कैसे कि आप टेबल क्रिएट कर सकते हो, इंसर्ट करा सकते हो, एंड उसके बाद मैंने आपको बताया सेव रिजल्ट और सेव क्वेरी के बीच में डिफरेंस क्या होती है। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में आओ। अगर आपको सीक्वल रिलेटेड कोई भी इशू है, क्वेरी लिखने नहीं आती है, टेबल क्रिएट करना नहीं आता, तो आप मेरी ये माई सीक्वल वाली प्लेलिस्ट देख लो। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कराया, ठीक है, एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन कराया बहुत अच्छी तरीके से, एग्जाम्पल के साथ बताया मैंने, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड बिग क्वेरी की जो अभी अपनी सीरीज चल रही है जीसीपी की, इसमें आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, बहुत कुछ ऑलरेडी सीख चुके हो, एंड आज भी ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। बिग क्वेरी में आपको इतना कुछ सिखाऊंगा ना कि आप पूरा एक्सपर्ट बन जाओगे बिग क्वेरी में। ना सिर्फ बिग क्वेरी में, जीसीपी में बना दूंगा, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा सर्विसेज यूज़ करी जाती है। तो बिना समय को बर्बाद किए हुए मैं एक टेबल ओपन कर लेता हूँ। ये टेबल वेबल कैसे क्रिएट करा जाता है ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया अपने प्ले लिस्ट में, आप यहाँ पर जाके देख सकते हो, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, हर बारी मैं क्या करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि क्वेरी पे मैं क्लिक करता हूँ, न्यू टैब पे जाता हूँ, ठीक है, ये चीज़ मैं करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि ना ये क्वेरी ऑटोमेटिक लिखी हुई आ जाती है, सिलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम लिमिट लिख के आ जाती है, ठीक है। अगर ये चीज़ नहीं चाहिए, आप खुद ही लिखना चाहते हो, तो सिंपल आप क्या कर सकते हो, आप नॉर्मली एक प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक कर लो, कंपोज न्यू क्वेरी, और यहाँ पे आप अपना क्वेरी लिखो, जो भी चीज़ आपने लिखना चाहते हो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, यहाँ पे बैकटिक आपको यूज़ करना है, और टेबल का नाम मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपकी आती है प्रोजेक्ट आईडी। तो मेरी प्रोजेक्ट आईडी क्या है, इंटर्न्स 2020, एंड प्रोजेक्ट आईडी के अंदर क्या होती है, डेटा सेट की आईडी, डेटा सेट का नाम क्या है हमारा विश्वा, और उसके अंदर हमारा टेबल, टेबल का नाम क्या है प्रोडक्ट। तो ये चीज़ आप करोगे, लिमिट लगाना चाहते हो तो लगा लो, लिमिट 10 में दे देता हूँ, ठीक है, सेमी कॉलन दो या ना दो ऑप्शनल है, ठीक है, बट हाँ एक से ज़्यादा अगर क्वेरी है तो सेमी कॉलन दे दो। तो मैं सेमी कॉलन दे ही देता हूँ, एक गुड प्रैक्टिस होता है सेमी कॉलन लगाना, तो मैंने लगा दिया और इसको रन करता हूँ, तो ये मेरे को एक रिजल्ट दे देगा सिर्फ 10 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिमिट 10 लगाया है, ठीक है, देखो 10 रिकॉर्ड्स है, कूल। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लेट्स से आप, मैंने टेबल का नाम मैनुअली लिखा ना, मैनुअली ना लिख के आप क्या कर सकते हो, मैं पहले टेबल का नाम को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ये लो मैं टेबल का नाम को डिलीट कर दिया। अब ये जो प्रोडक्ट हमारी टेबल है, इस पर मैं एक बार सिंगल क्लिक करूँगा और कॉपी आईडी कर लूँगा, ठीक है, और यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर लूँगा, देखो मेरी टेबल की नाम आ गई, ठीक है। इसको वापस से मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो सेम आउटपुट मेरे को देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक है ये जो सेव रिजल्ट है, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, सारा का सारा बताऊँगा। देखो सेव रिजल्ट क्या होता है, मैं पिछली वीडियो में भी बताया था शॉर्ट में, फिर से बता देता हूँ। देखो, जो भी क्वेरी आप एग्जीक्यूट करोगे, जो भी आप फेच कर रहे हो, उसका आप चाहते हो एक फाइल क्रिएट कर लेना, ठीक है, या फिर कहीं सेव करके रखना चाहते हो इस रिजल्ट को, उसके लिए अपन यूज़ करते सेव रिजल्ट। नाम से ही पता चल रहा है, आप जो रिजल्ट आपको जो मिल रही है ना, आप उसको सेव कर लो। कहाँ सेव कर लो, यहाँ सेव कर लो, जो भी सपोर्ट करती है फिलहाल जीसीपी में, तो CSV फाइल में आप सेव कर सकते हो, JSON एज अ JSON फाइल सेव कर सकते हो, बिगक्वेरी टेबल से में सेव कर सकते हो, गूगल सीट में सेव कर सकते हो, इवन आप कॉपी करके कहीं और डॉक्यूमेंट में आप सेव कर सकते हो, ठीक है। तो इतने सारे ऑप्शन हैं हमारे पास जीसीपी में, बिगक्वेरी में, तो आप इनमें से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो लेट्स से मेरे को ये नहीं चाहिए, ये तो ऑलरेडी है ना हमारे पास, इसकी टेबल प्रोडक्ट टेबल है, मेरे को चाहिए, देखो यहाँ पे ब्रांड में देखो, देखो ये प्रोडक्ट की टेबल है जिसमें आपको प्रोडक्ट कैटेगरी मिल जाएगी, प्रोडक्ट कैटेगरी में फ़ोन है, ठीक है, हेडफोन है, वॉच है, ये सारे प्रोडक्ट कैटेगरी है। ब्रांड मतलब कौन से ब्रांड की है, एप्पल की है, गूगल की है, वन प्लस की है, सैमसंग की है, और प्रोडक्ट के नाम, उस प्रोडक्ट क्या है, क्या वो फ़ोन है या लैपटॉप है या फिर ईयरबड है, क्या है, और उसका प्राइस भी दिखा रहा है, ये टेबल है बेसिकली, ठीक है। सो लेट्स से मैं क्या करता हूँ, लिमिट यहाँ से हटा देता हूँ, वैसे भी कम ही रिकॉर्ड्स है, टोटल 27 रिकॉर्ड्स है। मैं लिखता हूँ वेयर, मेरे को सिर्फ एप्पल का एक डेटा चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा, वेयर ब्रांड इक्वल्स टू एप्पल, राइट, तो ये मेरे को सिर्फ एप्पल का रिकॉर्ड दे देगा, जितने भी एप्पल के रिकॉर्ड्स होंगे, आई थिंक 9 है, बट स्टिल मैं देख लेता हूँ कितने हैं, ठीक है, सो टोटल 9 है। देखो यहाँ सिर्फ ब्रांड आपको एप्पल ही एप्पल दिखेगी, उसके अलावा कुछ नहीं दिखेगी। हाँ, एप्पल में प्रोडक्ट कुछ भी हो सकती है, फ़ोन हो सकती है, ईयरबड हो सकती है, या फिर लैपटॉप हो सकती है, ठीक है, या फिर स्मार्ट वॉच भी हो सकती है। तो ये एक हमारे पास डेटा है, ये मैंने फेच कर लिया, ये रिजल्ट आ गया हमारे पास, अब मैं चाहता हूँ इसको सेव करना, तो सेव कैसे करूँगा, देखो एक एक करके मैं आपको सारा बताता हूँ। सबसे पहले अपन गूगल ड्राइव में सेव करेंगे, ठीक है, तो मैं गूगल ड्राइव पे क्लिक किया,
जैसे ही क्लिक करोगे तो वो फाइल गूगल ड्राइव में जाके सेव हो जाएगी। थोड़ा टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं लगने वाला है। और देखो तुरंत हो गया, आई गेस 5 से 6 सेकंड लिया और ये हो गई हमारी कंप्लीट। अब देखो ये ऑलरेडी सेव हो चुकी है, आप चाहो तो ओपन इसको गूगल शीट से भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ओपन विद गूगल शीट करूँगा तो यहाँ पर अच्छी तरीके से दिख जाएगी यहाँ पे आपको, ठीक है। तो देखो ये फाइल आपकी सेव हो गई है गूगल शीट में, आप अपने ड्राइव में जाओ और यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये भी देखो एक सीट बन गई। मैन्युअली अगर मैं आपको बोलता कि यार एक मेरे को एक्सेल सीट बना दो, एप्पल ब्रांड का प्रोडक्ट नेम ये, तो आप मैन्युअली बैठ के टाइप करते, राइट। तो ये बहुत अच्छा तरीका है ना कि आप यहीं से फेच कर लो और इस रिजल्ट को आप सेव कर लो, सिंपल। तो ये भी आपकी एक टेबल बन गई, राइट। एंड इजी टेबल को आप बिगक्वेरी में अपलोड करके एक नया टेबल क्रिएट करा सकते हो, एप्पल टेबल, ठीक है। और वो टेबल कैसे क्रिएट करा जाता है वो मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी, 6 टाइप से बता रखा है। तो एक नया टेबल आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, राइट। इनके अलावा एप्पल भी क्रिएट कर सकते हो। चलो अब दूसरा लोकली अपन सेव करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है CSV फाइल, इस बार हमारी CSV फाइल लोकल इंस्टॉल सेव हो गई। देखो सेव हो गई, बहुत जल्द सेव हो गई। देखो ये रही हमारी एप्पल की डेटा, ठीक है। CSV फाइल मतलब कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, तो ये देखो कॉमा से सेपरेटेड है सारे वैल्यूज। तो लोकली भी अपने देख लिया कैसे क्या सेव करते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर जेसन। अब जेसन देखो, जेसन क्या होती है, जेसन होती है की वैल्यू के पेयर में, ठीक है। मैं आपको एक सैम्पल दिखा देता हूँ, मेरे पास शायद होगी जेसन की। हाँ देखो ये की वैल्यू के पेयर में है, ये नेम हमारी की है और रीजन हमारी वैल्यू है, ठीक है। तो ये की वैल्यू के पेयर में होती है जेसन फाइल। बेसिकली जब आप नो सीक्वल डेटाबेस पढ़ोगे, MongoDB, लाइक MongoDB, कैसेंड्रा, वहाँ पे आप इस तरीके के डेटा के साथ डील करोगे, ठीक है। तो जेसन लोकल, पहले लोकली सेव करके देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो लोकली सेव हो गया, मैं इसको ओपन भी कर लेता हूँ। ये देखो ओपन भी हो गया। देखो प्रोडक्ट कैटेगरी फ़ोन, ब्रांड एप्पल, प्रोडक्ट नेम क्या iPhone 12, इसी तरीके से टोटल 9 हमारे पास होंगे रिकॉर्ड्स। देखो स्मार्ट वॉच, ब्रांड एप्पल, सिर्फ एप्पल की एप्पल मिलेगी क्योंकि हमें हमने यहाँ पे ब्रांड इक्वल्स टू एप्पल लगा रखा है, ठीक है। तो ये लोकल सेव हो गई। सिमिलरली आप चाहो तो गूगल ड्राइव पे भी सेव कर सकते हो, ठीक है। तो मैं गूगल ड्राइव पे सेव करता हूँ और देखते कितना टाइम लगेगा। ज़्यादा टाइम तो लगना नहीं चाहिए, सब कुछ फास्ट ही होती है। बट ओके हो गई, एक्सपोर्ट हो गई हमारी। अब यहाँ पे अपन गूगल ड्राइव में भी देख सकते हैं। देखो इसकी एक्सटेंशन देखो .json है, देखो दिख रही है ना, की वैल्यू के पेयर में सारी की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू। तो इस तरीके से आप यहाँ पे भी सेव कर सकते हो, गूगल ड्राइव पे भी सेव कर सकते हो। तो हमने 4 तरीका देख लिया। उसके बाद बिग क्वेरी टेबल में भी आप सेव कर सकते हो। बिग क्वेरी टेबल की एक्सेस मेरे पास नहीं है, बट ये प्रोसेस है। आप डेटा सेट बताओ, कौन से डेटा सेट में आप रखना चाहते हो, जैसे सेम डेटा सेट विस्वा डेटा सेट में रखना चाहते हो। एंड टेबल का नाम दे दो, कौन सा टेबल आप उसका नाम देना चाहते हो, तो टेबल का नाम दे दो और एक्सपोर्ट कर दो, वो एक्सपोर्ट हो जाएगी बिगक्वेरी टेबल में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट तरीका गूगल सीट। गूगल सीट वही ऑलरेडी हमने कर रखा है, तो एक बार फिर से करके आपको दिखा देता हूँ। ये एक बार सीट में होगी, गूगल सीट में डायरेक्ट। तो ये रही आपकी गूगल सीट, docs.google.com, गूगल सीट में हो गई, ठीक है। नाउ लास्ट तरीका आई गेस, राइट। इतने तरीके से आप अपने जो भी रिजल्ट है आप उसको फेच कर सकते हो। कॉपी टू क्लिपबोर्ड मतलब आप कॉपी करो एंड सेव कहीं भी कर लो, पेस्ट कर लो। तो लेट्स से आप नोट्स में करना चाहते हो लोकली, तो आप नोट्स में कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, लेट्स से यहाँ पे मैंने नोट्स में सेव कर दिया। या फिर आप गूगल ड्राइव में डॉक्स, गूगल डॉक में, डॉक में अगर आप सेव करना चाहते हो तो यहाँ पे भी आके आप सेव कर लो, ठीक है। ये सेव हो गई हमारी एज अ टेक्स्ट, क्योंकि हमने कॉपी एज अ क्लिपबोर्ड किया था, ठीक है। तो ये सारे तरीके अभी गूगल में सपोर्ट करते हैं, GCP में सपोर्ट करते हैं। तो इन सब तरीके के साथ आप अपने रिजल्ट को आप स्टोर करा सकते हो, और जो भी फाइल आप क्रिएट कर रहे हो अगेन आप उसका एक टेबल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। टेबल क्रिएशन मैंने आपको बता दिया था फर्स्ट वीडियो में ही, ठीक है। तो आप वो वाली वीडियो मेरी जाके देख सकते हो। देखो टेबल क्रिएट करो और यहाँ से आप अपलोड का ऑप्शन सेलेक्ट करो और आप अपलोड कर लो, ब्राउज कर लो लोकली। अगर लोकल में अगर आपका CSV फाइल या जेसन फाइल पड़ा हुआ है, या फिर अगर आपके 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 ड्राइव में पड़ा हुआ है, तो आप उसका URL दे दो, बस URL दे दो और फिर टेबल क्रिएट हो जाएगा। ये सब कुछ मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता रखा है, तो आप वो मेरी वीडियो जाके देख सकते हो। सो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही था। आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल को एक्सप्लोर करो। गाइस बहुत ही कुछ है, आपको आप बहुत कुछ सीख सकते हो इस चैनल पर, ठीक है। चलो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट।